तो भाई लोग आज अपन खेलने वाले हैं आइसक्रीम टू। तो गाइस ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए चलता चलते हैं गेम के अंदर। तब तक के लिए सीट की पेटियाँ है वो ज़ोर से बांध लीजिए गाइस, क्योंकि इस गेम में गाइस बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं गेम के अंदर। प्ले बटन पे करते हैं प्ले, मतलब क्लिक यार। December 1982। ओके, ये हम हैं और ये हमारे फ्रेंड्स हैं गाइस। तो चार जन फ्रेंड्स हैं हम, और ये रॉड की शक्ल बना रहा है एक कागज़ पर। आइसक्रीम टू द डे आफ्टर। ओके, ही टुक अ लुक अराउंड बाय स्लाइडिंग अ फिंगर ऑन द स्क्रीन। ये मुझे पता है यार, पिछली बार भी किया था। तो ये भाई ये पहले से ही आ गया है, और ये भाई सता रहा है और उसे वो कह रही मुझे आइसक्रीम दो, मुझे सताओ मत। और ये सीक्रेट लेयर की बात कर रही है, कौन सा सीक्रेट लेयर है मुझे नहीं पता। और इसके पीछे हरकतें देखो भाई, ये इसके मुझे लक्षण थोड़े बराबर नहीं दिख रहे। और इसे फ्रीज कर दिया, मुझे पता ही था। और ये हमको देखेगा, हम छुपेंगे तो हम छुप चुके हैं। लिस नीड्स योर हेल्प, पिक अप द ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड एंड यूज इट टू गेट डाउन टू ग्राउंड। ओके, ये जो ब्लैंकेट है हमें लेना है। और यहाँ क्या है भाई, ये स्लिंग शॉट है, देखते हैं इसका इस्तेमाल क्या करना है हमें। तो ये ब्लैंकेट जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये भाई स्लिंग शॉट ले लेते हैं। लग गया तो उसे पहले बार में टपका डालेंगे, दिक्कत कहाँ पे आ रही भाई। तो उतरते हैं और चलते हैं गाइज सीधे। अबे बी केयरफुल, यू शुड नॉट बी सीन यू। तो यहाँ पे हमें छुपना है यार, तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये बावड़ी पूत बाहर निकल चुका है भाई। ये आइसक्रीम अंकल मैंने पहली बार कहाँ देखा था आपको पता है? आपने भी देखा होगा। एविलन किसने खेली है ना, एविलन टू, उसे पता है भाई, उसे 100% पता है। क्योंकि जब वो नन आइसक्रीम लेने जाती है तब तो यही होता है ना भाई। तो ये गेम और वो गेम मिले हुए शायद से भाई। उठा ले, आ जाएगा आइसक्रीम अंकल, आ गया। साउंड होगा इसका मतलब आइसक्रीम अंकल आता होगा, देखा नहीं है। तब तक चाहते हैं वैन के अंदर चलते हैं सर्कस में भाई, देखते हैं। मेरा सर्कस फेवरेट है यार। तो सबसे पहले अपन जाएंगे सर्कस और थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे। तो यहाँ पे March 1954। ओके, और यहाँ पे एक मोटा सा लड़का बैठा हुआ है। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्यों डिफरेंट है भाई तू? ये अलग नहीं है, ये कह रहा है मैं डिफरेंट क्यों इन लोगों से। ये कहता है मैं कम खाता हूँ तभी भी मुझे मोटापा चढ़ा हुआ है। तो जो वो आइसक्रीम भाई, साउंड बहुत हो रहा है चबी कह रही से। तो वो जो आइसक्रीम अंकल है ना, उसके आइसक्रीम में कुछ ऐसा है कि भाई वो खाने से मोटा ही हो जाता है। तो इसने इसके पापा की आइसक्रीम खाई और वो भी मोटा हो गया गलती से। तो वाइस स्क्रीम है ये, क्रीम नहीं स्क्रीम है। तो निकलते हैं बाहर और देखते हैं करना क्या है। और भाई उसने देख लिया है, और यहाँ पे कौन है? ये मोटा लड़का है ना जिसे हमने बचाया था। हे यू, ओनली दोज हु हैव देयर आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैन एंटर हियर, आइडेंटिफाई योर सेल्फ। बहन बहस की भाई, ये हमसे आइडेंटिफाई मांग रहा है यार, हमने ही बचाया था उसे पिछली बार। तो देखते हैं भाई कहाँ में, कहाँ में है आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो वो कहाँ गया भाई, वो गया किधर मुझे नहीं पता। और यहाँ पे गाइस लुक का ऑप्शन आ रहा है, तो लुक करते हैं। बस वो पीछे से आ मत जाइए यार, तो वो आगे से आ रहा है गाइस, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे बैठते हैं, और यहाँ पे भी नहीं है आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो भाई आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता कहाँ है यार? तो एक काम करते हैं, बिल्डिंग के पीछे से ही जाएंगे, इसका मतलब कि बाकी शायद से। हाँ ये देखना, बाकी इसे भी देख लेते हैं और ढूंढते हैं आइडेंटिफिकेशन कार्ड। भाई मिल जाइए यार, कैसा दिखता है वो भी मुझे नहीं पता। यू फाउंड द स्पेशल पास, भाई यही है क्या? देख लेते हैं एक बार, देख के देखते हैं। यही बैठना चाहिए, यही पे बैठना चाहिए, यही पे बैठना चाहिए। हे जे, वेलकम बैक टू सीक्रेट लेयर। शायद से लिस इसी सीक्रेट लेयर की बात कर रही थी। वेलकम टू द सीक्रेट लेयर, आई एम द किंग। किस बात का किंग भाई तू? भाई इसका रिकॉर्ड क्या है मुझे नहीं पता। तो अगर उसका रिकॉर्ड तोड़ते बैठेंगे तो हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा जाएगा। तो इसके पास एक पीस है गाइस, तो ये कह रहा है मुझे कुछ अलग से ऐसे ला के दो। और भाई यहाँ पे भी स्लिंग शॉट है, ये कह रहा है मुझे कुछ ऐसे अलग से ला के दो तो ही मैं वो तुम्हें दूंगा। तो देखते हैं, चलते हैं गाइस। अभी जाएंगे हम
मुझे देखना है वो आइसक्रीम अंकल गया किधर है भाई। अगर वो इधर गया होगा ऊपर, क्योंकि गाइस मैंने उसे देखा था वो पिछली बार इधर ही गया था भाई। तो हल्के से दरवाज़ा खोल देंगे हम उसका, बस एकदम से धप्पा मत करियो यार। तो एक काम करते हैं गाइस, तक हम जाते हैं स्टॉल पे और देखते हैं स्टॉल में क्या है। तो यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे स्टॉल में। तो यहाँ से गाइस हमें स्टॉल में जाना है यार। तो हम गाइस स्टॉल में आ चुके हैं। और ये भाई ये वन बेहतर चला था यार, सच में बताऊँ तो। तो यहाँ पे भाई, और देख लिया यार, देख लिया देख लिया देख। और यहाँ पे गाइस ये होता है, और ये क्या है, गेट, यू नीड कट टू द वायर टू ओपन इट। ओके 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 ओके, हमें प्लायर चाहिए रहेगा। तो वहाँ पे है गाइस, तो चुपके से अंदर जाएंगे और देखेंगे दरवाज़ा झाँक के, विंडो आवर्स में ही देखेंगे गाइस। दिक्कत का, यहाँ पे एक टूल बॉक्स है, और इसमें क्या है भाई, प्लायर्स है गाइस, प्लायर्स। तो इससे शायद से वो वायर कटनी चाहिए। बस आइयो मत यार, तू धप्पा मत करियो यार। रॉड इज नैपिंग नॉट टू मेक द नॉइस। ओके ओके, हल्की सी इसे मार के देखता हूँ यार। और भाई जग गया, ये जग गया, ये जग गया। तो एक काम करते हैं, अब वो तो जग गया है भाई, तो उसे इधर से लेते हैं। तो आ भाई, आ तो आ तेरी भैंस की टांग। तो यहाँ से गाइस हमारा जो है प्लायर से ये ले लेंगे, और इसमें देखना क्या है, देखेंगे गाइस वो आयर में क्या है। और बस आ मत जाइयो यार। तो कैंडल से ये किधर से आएगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कैंडल से गाइस, ये कैंडल्स कहाँ पे इस्तेमाल आने वाली है मुझे नहीं पता। तो फिर से चलेंगे सर्कस में गाइस, क्योंकि जब रोड ऊपर जाता है ना ऊपर, तो ऊपर उस रूम में क्या है मुझे देखना है भाई। तो रोड पर एक काम करेंगे, कैंडल्स मिल चुके हैं गाइस, मुझे वो देखना है मैंने किधर फेंकी है। तो उसका ध्यान नहीं है, और उसने देख लिया क्या। तो उसका जब तक ध्यान नहीं है तब तक हम इस ऊपर वाले रूम में जाके आते हैं, जो कि वो पिछली बार गया था। तो यहाँ पे कुछ ड्रॉअर हैं, और ये क्या है भाई, कैट फूड है गाइस। इसका कहाँ पे इस्तेमाल आने वाला है मुझे नहीं पता। तो इसे लगे हाथ यहीं पर फेंक देते हैं, नहीं वैन में फेंकेंगे गाइस, और फिर से जाएंगे उस वाले रूम में। बस ये देख ना ले इस बार, तो नहीं देखा नहीं देखा, तो अपन का काम डन हो चुका है आधा। तो वो इधर है गाइस, तब तक हम यहाँ पे कैट फूड डाल देते हैं। और साउंड हो गया है, इसका मतलब वो भगता हुआ आ रहा होगा अपन के पास ही। तो यहाँ पे जो कैंडल्स है ना गाइस, इसे पिक कर लेते हैं भाई। तो कैंडल्स को जो है पिक कर लिया है मैंने, और वो वहीं पे अटक चुका है भाई। अगर वो अटका तो फिर हमारा गेम नहीं रुक जा बढ़ेगा आगे। इसे काम करता हूँ, इसे चकमा देता हूँ, इसे उल्लू बनाता हूँ भाई। तो जो कैंडल्स है वो मैंने ड्रॉप कर दी है इधर। तो एक बार मैं इसे फिर से भी उसका रूम है वो चेक कर सकेंगे हम। तो चलते हैं ऊपर भाई, जल्दी 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 यार, देख लेगा हमें। तो यहाँ से हम आ चुके हैं ऊपर, और गाइस इसमें क्या है। तो इसमें भी कुछ नहीं है शायद से, ड्रावर्स में कुछ नहीं होता मुझे पता है। तो यहाँ पे गाइस एक कबर्ड है, इसमें देख लेते हैं तब तक। और ये क्या है भाई, और रॉड आ रहा है शायद से रॉड आ रहा है, और हम पकड़े गए। तो रॉड आ रहा है भाई, आ रहा है वो यार। तो सीधे ऊपर की तरफ में जाना है हमें, बस वो देखियो मत बस। अरे भाई चढ़ जा यार, मारेगा क्या। तो रॉड ने नहीं देखा है। और यहाँ पे क्या है भाई, ये केबल है, तो इसे हम क्रॉस कैसे करेंगे यार। और ये हैंगर का क्या इस्तेमाल है गाइस मुझे नहीं पता। तो रॉड भाई गया, नीचे गया रॉड। और इस केबल का क्या इस्तेमाल है गाइस मुझे सच में पता हूँ, मैं तो मुझे नहीं पता। तो उसे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर, विद द राइट टाइम यू कुड यूज द दिस केबल एज जिप लाइन। ओके ओके गाइस, इसी हैंगर से हमें करना है जिप लाइन। तो राइट टाइम पे हमें ये यहाँ पे कूदना था, ये बराबर हो गया है। अब ये ऐसे हम ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे रॉड आ मत जाइयो यार, मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो ये भाई, इसे पुश करना तो ऑप्शन आ गया था, इसीलिए मैंने इसे पुश किया। तो यहाँ से निकलते हैं नीचे और देखते हैं गाइस करना क्या है। तो यहाँ पे एक टर्न तो जा रहा है गाइस, मगर ये रास्ता बंद है, तो करना क्या है भाई। और ये भी रास्ता शायद से आगे से बंद ही होगा, तो देखते हैं जाना कहाँ से गाइस हमें।
तो ये भी रास्ता बंद है यार, करना क्या है। तो भाई लोग यार मैं भी कितना पागल हूँ यार, ये गेट यहाँ पे है और मैं इधर उधर भटक रहा था तब से, तो यहाँ से हमें अंदर जाना है। अब साउंड होगा तो रॉड आ नहीं जाएगा इधर भाई, तो ये तो गाइस हमारे लिए तो बुरी बात है ना, रॉड अगर इधर आया तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है भाई, स्मॉल गैस कैनिस्टर, ये कहाँ पे यूज़ होने वाला है मुझे नहीं पता। स्क्रू, यू नीड अ एलन रेंच टू रिमूव दिस स्क्रू। एलन रेंच कहाँ पे होता है भाई? तो अभी तक तो गाइस हम सिमेट्री नहीं गए, सिमेट्री और सिनेमा में जाना है गाइस हमें। तो मैं रॉड को उल्लू बना के वैन में आ चुका हूँ, तो यहाँ पे कैंडल भी है और कैट फूड भी है, इसका इस्तेमाल क्या करना है मुझे नहीं पता। तो यहाँ से चलते हैं सीधा अब सिमेट्री के लिए। कहाँ जाएंगे भाई, सिमेट्री में जाएंगे या सिनेमा में जाएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो भाई चलते हैं सीधा सिमेट्री के लिए भाई, देखेंगे क्या होता है, जब होगा तब होगा। तो यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं सिमेट्री के लिए। तो भाई यहाँ पे बस रॉड हो ही मत यार, रॉड नहीं है, रॉड नहीं है, रॉड नहीं है। और ये भाई ये कवर्स अलग हैं, ग्रेव्स अलग है, और ये ग्रेव भाई अलग है। तो यहाँ पे करना क्या है, टॉम्ब स्टोन इंटरेक्ट करते हैं। फादर यू आर माई ओनली फैमिली, भाई अगर आइसक्रीम अंकल आ गया तो रुको जरा, मुझे लगा आइसक्रीम अंकल आ रहा है। तो आप नहीं देख सकते यार इसे, तो यहाँ पे क्या लगनी है, इंटरेक्ट यू कैंडल्स हियर। ओ भाई, मुझे पता लगा, जो हमने कैंडल्स लाई है ना वही हमें इस्तेमाल करनी है। तो गाइस यहाँ पे जो कैंडल्स है वो इंटरेक्ट कर लेते हैं, और भाई यही पे है यार। तो देखते हैं हमें करना क्या है, तो यहाँ पे छुपते हैं गाइस 2 मिनट के लिए। और भाई वो आ गया यार, ऐसे मत कर यार। तो गाइस वो जब कैंडल जला रहा था भाई, तब यहाँ पे उसकी मैचेस गिर गई है, माचिस। तो ये ले लेते हैं भाई, हमें कहाँ पे इस्तेमाल आने वाले मुझे नहीं पता, और उसने देख लिया है। तो माचिस को ये जो यहाँ पे फेंकते हैं वैन के अंदर। और अब गाइज हमें देखना का ये है कि हमें करना क्या है भाई। तो गाइज वहाँ पे एक बिल्ली है गाइज, और जो जो ये ग्रेव पे एक फ़ोटो है ना बुढ़िया की, गाइज वही शायद से इसकी माँ है। और वो फ़ोटो गाइज उसके घर में भी थी, सर्कस वाले घर में। तो शायद से करना वो कैट को, गाइज कैट क्यों खड़ी है गाइज वो मुझे नहीं पता वहाँ पे पेड़ पे। तो बस यहाँ से रॉड चलियो यार, मजा आई। तो इट सीम्स दैट कैट इज वॉचिंग दिस लेडीज ग्रेव। ओके, तो हमें शायद से वो कैट चाहिए रहेगी। तो अब ये कैट को लेते हैं और इसे खाना डालते हैं गाइज, मुझे थोड़ा सा तो हिसाब समझ में आ गया है। और वो कैट आ चुकी है, और अब देखते हैं इस कैट को हम पिक कर सकते हैं। तो पिक कर सकते हैं गाइज, अब जाएंगे हम सीधा सिनेमा के लिए मेरे। अब तो हम भाई जा चुके थे, सर्कस हो गया, सिमेट्री हो गया, स्टॉल हो गया, अब जाना है हमें सिनेमा में। तो गाइज सिनेमा में आ चुके हैं, बड़ी की बड़ी टीवी लगी हुई है यहाँ पे भाई। तो यहाँ पे उतरते हैं और इस कैट को गाइज यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। अगर ड्रॉप किया तो साउंड नहीं होगा भाई। तो ये भाई ये भाई चली जाएगी यार यान से बाहर। तो यहाँ पे ट्रंक है, इसमें भी कुछ नहीं है, तो ये खोलना होगा गाइज हमें। और ये क्या है भाई, पिकल्स है शायद से, यही चाहिए रहेगा। किसके थे मुझे यार वो माइक को, जो अपना फ्रेंड है पुराना वाला। तो ये तब तक वेस्ट है, तब तक मैं ट्रंक खोल के देख लेता हूँ। और वो भाई आ गया। तो मुझे इसे गाड़ी में ड्रॉप करना है यार, मगर जो हमारी कैट है वो रॉड के साथ चल रही है। तो एक काम करते हैं, उसे पागल बनाता हूँ मैं, रुको एक बार। और ट्रंक यार यहाँ पर आते हैं यार, तो सबको खोलना होगा हमें, सबको यार, मतलब सबको ही खोलना होगा। उसने कहाँ से देखा, तो इसी गाड़ी में ड्रॉप कर देते हैं। और परफ्यूम कहाँ पे मिला था भाई हमें, तो परफ्यूम को भी ले लेंगे। तो यहाँ पे गाइस एक टूल बॉक्स है और एलियन रेंच। ओ भाई एलियन रेंच से हम गैस कैनिस्टर ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ओ भाई साउंड हो गया, और ये भाई साहब एकदम ही आ गया यार। और हमारा एक चांस जो है वो कम हो चुका है भाई। ये कब आया यार, हाँ जब मेरे भाई पिकल्स गिराए थे तभी आया होगा। और जो हमारी कैट्स है मुझे देखना है कहाँ पे है। और यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं, अब देखना है कि यहाँ से निकलना कैसे, इन ड्रावर्स को ही सर्च करेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और भाई रुको यार, ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, इमरजेंसी डोर की। तो ये तो यहाँ पे नहीं लगनी, बस यहाँ से रॉड हमें चाहिए यार।
अरे भाई ऐसा होगा तो भाई मैं कैसा खेलूंगा यार, मैं बाहर कैसा निकलूंगा। इसकी बेइज्जती रुको, इसे एक बार और एक बार दिखाई देता हूँ करना क्या है। तो यहाँ से ये तो डोर अब नहीं खुलेगा, इमरजेंसी की इसमें भी नहीं होगी। देखते हैं क्या भाई हम, और ये क्या है भाई, पुश का ऑप्शन आ रहा था गाइस मुझे, तो देखते हैं। ओके ओके हम चढ़ सकते हैं ऊपर रूफ टाइल। अब दिखाता हूँ तेरी बेस की टांग, तो वो शायद से किधर है देखते। अरे अंदर नहीं जाना भाई, अंदर नहीं जाना, अपन को जाना है अब सीधा सिनेमा के लिए। मगर रॉड किधर है वो मुझे नहीं पता, तो रॉड उधर है भाई, तो तब तक के लिए हम निकल जाते हैं सिनेमा के लिए। रॉड तो इधर ही रही हो यार, सिनेमा के पास आई हो मत तू। तो यहाँ से हम जा चुके हैं सिनेमा के लिए भाई। जो भी करना है अब हमें जल्दी जल्दी से करना है। तो क्या जो है हमारी यही पे, यही से यही पे रहने देते हैं। और यहाँ पे गाइज मुझे एक परफ्यूम मिला था, वो भी लेंगे। तो ये परफ्यूम गाइज देखे देखेंगे, और ये यहाँ पे आ चुका है तो इसे पागल बनाना होगा फिर से एक बार। तो हमारी बिल्ली जो है गाइज वो हमें मिल चुकी है यहाँ पे, और जो कैट है ना गाइज उस कैट को उछल के देखेंगे गाइज। तो अब आइसक्रीम साउंड हो गया तो आइसक्रीम अंकल इधर ही आता होगा। रुक तेरी बेइज्जती, वो तुझे पागल बना था, वो किधर है भाई, तो तू इधर आ भाई, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, अपन के पास टाइम नहीं है। तो गाइज उधर आ चुका है, तो तू इधर से भी आ भाई, तू इधर से भी आ, तो ये इधर से आ चुका है भाई। तो अब हम इसे बनाते हैं पागल भाई, सब पागल बनाऊंगा ना इसकी बैस की टांग भाई। तब से मैं बहुत ही चौड़ा बन रहा था, तो इस बिल्ली का देखना मुझे करना क्या है। तो ये क्या है भाई, अलार्म भाई, मैंने तो सिर्फ वहाँ पे बिल्ली को रखा था। यू हैव रिप्लेस्ड द अलार्म कॉक, अलार्म कॉक। ओके 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 मुझे अब थोड़ी बात समझ में आ चुकी है। तो अभी हमें जाना है सीधा गाइस सिमेट्री के लिए, मुझे थोड़ी सी तो बात समझ में आ चुकी है। तो अब चलते हैं गाइस सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री जल्दी चल भाई। तो यार मुझे भाई मेरी जो ये मेरा जो दिमाग कह रहा है ना, ऐसे बस एक बार हो ही जान दो भाई, एक बार तो हो ही जान दो। तो अब मैं इसे फेंकूंगा तो साउंड नहीं होगा भाई। तो ये किधर है, अरे यार ये फिर से इधर आ गया यार, उनको एक बार इसे फिर से पागल बनाना होगा हमें। और एक बार मैं अगर इसे पागल बनाता हूँ तो उसे यहाँ पे साउंड कर देता हूँ भाई, तू इधर आ, उसे एक बार। तो गैस कैनिस्टर कहाँ पे भाई, हमें जाना होगा अभी सीधा सर्कस के लिए गैस कैनिस्टर लाने के लिए, मैं भूल गया गैस कैनिस्टर लाने के लिए। तो हमारे पास रेंच गाइस हमने लिया क्या नहीं लिया मुझे नहीं पता, लिया ही होगा भाई, रेंच तो लिया ही होगा। तो अभी हमने ये रेंच जो है वो पिक कर लिया है। तो चलते हैं गाइस वहाँ पे जहाँ पे हमें जाना है भाई, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो हमें अभी सीधा गैस कैनिस्टर लाने के लिए जाना है। तो यहाँ से गाइस ये दरवाज़ा है, ये खोलना था हमें, शायद से खुलेगा क्या, तो खुलेगा भाई, मगर हमने गलती कर दी, ये मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे है। तो भाई रॉड उधर की तरफ जा चुका है, तो हमें जल्दी से निकलते हैं इधर और देखते हैं भाई करना क्या है। तो यहाँ से गाइज हमें ये जो करना क्या है, मतलब हमें यहाँ से गैस कैनिस्टर निकलना है। और अगर गाइज मैं गैस कैनिस्टर निकालूंगा तो साउंड नहीं होगा भाई। तो ये देखो ना, अब मैं जब इस स्क्रू को निकालूंगा तो यहाँ पे एक साउंड हो गया, ये साउंड तो हो गया ये। तो अब भाई साहब अब मैं गैस कैनिस्टर निकालूंगा तो वो आएगा नहीं भाई साउंड सुन के, क्योंकि आइसक्रीम अंकल गाइज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते देखते गाइस आइसक्रीम अंकल आगे है। तो भाई हमने जो परफ्यूम लाया हो और जो क्या कहते हैं उसे, वो जो लाया ना गाइस, वो हमें माइक को देना है शायद से, वो देने से हमें कुछ तो फ़ायदा हो ही गया। तो यहाँ पे ये क्या है, पिकल से इसे ले लेते हैं। अब साउंड तो होगा, इसका मतलब रॉड आता होगा इधर। द एनिमीज क्लोज, नॉट गुड टाइम टू डू दिस सेक्शन। भैंस की भाई ये इतना चौड़ा होगा यार, ये यही कह रही कि यही लगना चाहिए माइक को। तो देखते हैं गाइस, और यहाँ पे ये माइक, नो दैट्स इज अगली भाई, ऐसे क्यों ले ले यार, मैं इतने महीने से लाया हूँ तेरे लिए। बेस के अब मैं बाहर निकलूंगा तो आइसक्रीम अंकल देख नहीं लेगा मुझे। तो अब यहाँ तो मैं साउंड कर दूंगा जैसे ये उछलता हूँ, और अब साउंड तो हो ही रहा है, तो रॉड आता होगा भक्ति हुई इधर ही। तो ये देख के देखते हैं अब उसे। Super cool. भाई साहब ये ले लिया इसने यार। ये क्या है, साउंड करके मतलब
ये करके देखते हैं ये क्या है, डोर नॉब ये कहाँ पे लगना है भाई मुझे नहीं पता। अभी हमें गाइस हमने यहाँ का सारा काम निपटा लिया है, अब हमें जाना है सर्कस के लिए। तो भाई मैंने यहाँ साउंड किया था तो मुझे लगता है बाहर निकलूँ या नहीं निकलूँ ऐसा मुझे डाउट आ रहा था, मगर निकल जाता हूँ और चलता हूँ गाइस अभी सीधा सिमेट्री के लिए। तो भाई लोग अभी हमें जाना है सीधा सिमेट्री के लिए, तो चलते हैं सिमेट्री के लिए। बस वो जो आइसक्रीम अंकल है ना भाई, बस वो गैस कैनिस्टर यार वहाँ पे एक बार लग जाए। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर और देखते हैं वो है किधर भाई। तो वो शायद से, अरे यार ये इधर कब आ गया मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं इधर से निकल जाते हैं पतली गली से और गैस कैनिस्टर को वहाँ पे बैठा देते हैं भाई। और मुझे एक बार स्लिंग शॉट से इसे टपकाना ही चाहिए इसे मुझे लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे गाइज ये बैठ जा यार बैठ जा, बस बस भाई बैठ जा यार एक बार। तो ये बैठ चुका है गाइज, अभी हमें क्या चाहिए इसके लिए। यू हैव रिप्लेस 3 नेसेसरी आइटम्स, ओके और कौन से 3 नेसेसरी आइटम चाहिए भाई हमें। तो बस आइसक्रीम अंकल यहाँ पे आ मत जाइयो यार, आ मत जाइयो आ मत जाइयो। वह अपना आधे का काम हो चुका है डन। और अभी गाइज हमें शायद से माचिस तो इस्तेमाल नहीं करनी। तो भाई साउंड मत कर तुझे फोड़ दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैच बॉक्स है गाइज, तो इसे लेके देखते हैं वहाँ पे। बस मुझे देखना है आइसक्रीम अंकल है किधर, क्योंकि गाइज वो बहुत ही भाई वो उधर जा चुका है, यह हमारे लिए आसान काम हो चुका है भाई। तो ये बताते हैं यहाँ पे, ग्रेट यू हैव प्लेस द मैच बॉक्स, ओके। तो अभी हमें क्या करना है गाइज, अरे भाई करना क्या है। तो शायद फाइनली गाइज कैट मिल गई, यही पी थी यार मैं, यार मतलब यार मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इधर ड्रॉप करी थी। तो एक बार काम करते हैं, मुझे देखना है आइसक्रीम अंकल है किधर। तो यहाँ पे गाइज ये तो अलार्म जो है वो अब चालू हो चुका है अलार्म, तो अब ये भाई ब्लास्ट होगा। बस मुझे देखना है आइसक्रीम अंकल है किधर, और वो आ चुका है बार। ओ भाई साहब ये तगड़ा वाला ब्लास्ट हो चुका है। तो एक काम करते हैं आइसक्रीम अंकल को गुमराह बनाते हैं ताकि भाई वो हमें देख सके और हम जा सके वो अंदर की वहाँ के करना क्या है। तो गाइस चलते हैं अंदर। बस भाई अरे यार ये कैसे जाएंगे हम अंदर। तो गाइस फिलहाल अंदर तो आ चुके हैं, बस हमें यहाँ पे छुपना होगा। और यहाँ पे क्या है भाई, तो यू नीड डोर नॉब टू ओपन दिस डोर, ओके गाइज हमने जो डोर नॉब लाया शायद से वो यहीं पे इस्तेमाल कर रहा है। बस मुझे देख रहा है आइसक्रीम अंकल है किधर ताकि भाई वो अंदर आके हमें फोड़ ना दे। तो भाई लोग हम चलते हैं बाहर, एक बार मर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइज अभी भी हमारे पास एक और चांस है कि ये जो कैच की है ना गाइज, ये देखिए ये जो कैच की है ना, बस वो उसमें से निकल जाए भाई तो हमारा काम जो है वो डन हो जाएगा, मतलब काम जो है वो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे बैठते हैं ताकि वो हमें देख ना ले। तो हो चुका है काम, और यहाँ पे क्या है भाई लीड था इसे ओपन किया और भाई कैच की मिल चुकी है। बस यहाँ से जो आइसक्रीम अंकल है वो आना जाए और उसने देख लिया यार। पर हम गाइस ये म्यूज़िक बंद हो गया, बस हाँ तो म्यूज़िक बंद हो गया है, अब चलते हैं नेबरहुड में, क्योंकि जब तक म्यूज़िक चलता है तब तक तो भाई हम यांग में जा नहीं सकते कहाँ पे भी। वाइस क्रीम, तो गाइज हमने एस्केप कर दिया है इसी बात पे, और सब्सक्राइब बनते हैं गाइज तो सब्सक्राइब। और ये भाई ये कह रही फर्स्ट वैन हो रही है इसलिए मैं कूद नहीं पाई, भाई लड़कियाँ ऐसी होती हैं। और यहाँ पे हमने इसे परफ्यूम दिया था माइक को, और उस पर कुछ तो लेटर है वो क्या है मुझे देखना है। तो गाइज यहाँ पे एक आर्किड एरिया रहता है उसे हमें गाइज हमने अगर आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू, भाई ये तो किंग है ना तो बचा लेना उसे। और भाई इसने भाई बहुत ही इसने फेंकना चाह, व्हाट्स अप प्लीज आई लव यू फ्रॉम द फर्स्ट डे आई सॉ यू आई होप यू फील द सेम, डू यू लव मी येस और नो। भाई साहब ये तो लव लेटर आता यार। तो गाइज विदाउट गन के हमने पार कर लिए गेम, चैलेंज है विदाउट गन के पार करके दिखाओ आइसक्रीम टू। तो चलिए गाइज ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, मतलब सब्सक्राइब को ठोकिए, लाइक बटन को ठोकिए और गेमिंग बुल को सपोर्ट कीजिए। तो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।